संपर्क दीदी की शब्दशाला। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। कठिन शब्द। बच्चों, आप जानते हैं ना कि पृथ्वी से वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचती है। क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित इस जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता। वायुमंडल की परिस्थितियां प्रतिदिन एक जैसी नहीं होती बच्चों। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी और कभी बारिश। वायुमंडल की ये विभिन्न परिस्थितियां क्या कहलाती हैं? ये परिस्थितियां मौसम कहलाती हैं। मौसम, मौसम, मौसम। बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया ये यंत्र वर्षा को मापता है। क्या आपको इसका नाम पता है? इसे वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। वर्षा मापी यानी वर्षा को मापने वाला। वर्षा मापी यंत्र, वर्षा मापी यंत्र, वर्षा मापी यंत्र। बच्चों, जैसा आप लोगों को पता है, दोपहर के बाद के समय धूप में हमें सबसे अधिक गर्मी महसूस होती है ना? दिन के इस समय में रिकॉर्ड किए जाने वाले तापमान के सबसे अधिक मान को क्या कहते हैं बच्चों? ये अधिकतम तापमान कहलाता है बच्चों। अधिकतम यानी सबसे अधिक। तो अधिकतम तापमान हुआ दिन का सबसे अधिक तापमान। अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान। बच्चों, दिन का सबसे कम तापमान सुबह के समय रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस तापमान को क्या कहते हैं? इसे न्यूनतम तापमान कहते हैं। न्यूनतम यानी सबसे कम। तो न्यूनतम तापमान हुआ दिन का सबसे कम तापमान। न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान। अब ये है दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की जानकारी देने वाला तापमापी। क्या आपने इसे पहचाना बच्चों? हाँ, ये है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। अधिकतम न्यूनतम तापमापी, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। बच्चों, पहाड़ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अधिकतर समय मौसम ठंडा रहता है। किसी स्थान पर लंबे समय तक मौसम का ऐसा पैटर्न क्या कहलाता है बच्चों?
इसे जलवायु कहते हैं। जलवायु, जलवायु, जलवायु। आपको पता है बच्चों, ध्रुवीय भालू के शरीर में बहुत से ऐसे परिवर्तन पाए जाते हैं जो उसे अत्यधिक ठंडे तापमान में जीवित रहने में सहायक होते हैं। इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अनुकूलन, 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 अनुकूलन। बच्चों, पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और वहां अत्यधिक सर्दी होती है। क्या आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। बच्चों, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं जहां पर मौसम अक्सर गर्म रहता है और अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों को क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। समझे बच्चों? उष्ण यानी गर्म तथा आर्द्र और कटिबंध यानी कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित। तो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित ऐसे वन जिनकी जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बच्चों, साइबेरियाई क्रेन पक्षी का सर्दियों के समय साइबेरिया से राजस्थान और हरियाणा में रहने के लिए आना क्या कहलाता है? ये प्रवास कहलाता है। प्रवास, प्रवास, प्रवास। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ठीक, बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।